तो ये रहा भाई लोग वो मिस्ट्री पैकेज जिसका इतने टाइम से मुझे इंतजार था। About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. सोशल ब्लेड के अकॉर्डिंग 17 जून को मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, क्योंकि दिन के 400-500 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। बट मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा भाई कि आप सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पे उतने ही लोग सब्सक्राइब करें जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं आज सब्सक्राइब करके छोड़ दो और 10 दिन में एक वीडियो देखते हो, 20 दिन में एक वीडियो देखते हो। क्योंकि खाली सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ाना, एक्चुअल में जो देखने वाले है ना वो बढ़ाने हैं मुझे, जो ऑडियंस है अपनी, जो फॉलोअर्स होते हैं वो बढ़ाने हैं। ठीक है जी, तो कोई नहीं, लेट होंगे कब मर्जी होंगे उससे कोई टेंशन नहीं है, बट जबरदस्ती सब्सक्राइब मत करना प्लीज। कल के व्लॉग में आपको याद होगा मैंने अपने गेमिंग रूम में जो एकूस्टिक फोम लगाने हैं वो दिखाए थे, तो वो मैंने जीजू को दिए थे उसके पीछे प्लाई लगाने के लिए। आज वो बन चुके हैं इसलिए मैं लेने के लिए आया हूँ वो। और हमेशा की तरह ये तो चेप है ही मेरे, जब भी मैं क्रेटा में जाता मेरे का भी ले चलो। पर यार देखो कोविड तो फैल रहा है, हम बाहर ज्यादा निकलते नहीं है इधर उधर, ना हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं। मैं जा भी रहा हूँ इधर से उधर तो गाड़ी में ही जाता हूँ, और वो भी एक घर से अपने दूसरे घर में ही जा रहे हैं हम। जैसे यहाँ से अपनी बहन के घर आ गए या मेरे वाले घर से नए वाले फ्लैट में आ गए, तो इतना ही ट्रैवल हो पा रहा है, बाहर कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप भी घर में रहो, केसेस काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। 1-1.5 महीने में पूरा कोविड खत्म तो मतलब पूरी लाइफ नहीं होगा, बट हाँ जितना मतलब कम हो सकता है उतना हो जाए तो अच्छा है भाई। फिर मतलब केसेस कम होंगे, लॉकडाउन खुलेगा, तभी तो भाई अपनी हायाबुसा की डिलीवरी भी मिलेगी ना, तो इसलिए जरा घर पे टिको भैया जी। कौन सा चश्मा लेगा, बड़ा है बट बाबू तेरे आएगा ही नहीं, पहन के देख। ओहो वाइट कुर्ते पजामे में काला चश्मा, ये ओह डॉन साहब हमें मारना मत, डॉन जी लगा ले गरम है ये वाला, देख कैसा बड़ा है बाबू, वो आएगा, दोनों ही बड़े हैं वैसे तो, मेरे साइज के हैं ये, मैं इसी में रखता हूँ अपने दोनों चश्मे, दिखा। ओ ये बिल्कुल ही बोंगा लग रहा है रख दे चल, दोनों बड़े हैं। तेरा वाला चश्मा कहाँ है, हेमा बुआ क्यों तो तू लगाता नहीं है क्या, तो फिर लगाया करना बाबू, ऐसे क्यों ले के रख देता तू, बस नेताजी लग रहे हो आप, पता है टोपी और पहन ले, एक नेता वाली नेता लग रहा है पूरा, पॉलिटिशियन। लोगों से क्या मुझे वोट करो, ये आ गए सारे फोन सब में लग गए, चलो वहीं जाके दिखाएंगे, अभी तो रखे हैं। एक हमें 3M वाली टेप लेनी है, दो बस, वो भी देखते कहीं से मिल जाएगी। तो ये देखो कुछ इस तरह से हमने करा है, एकोस्टिक फोम के पीछे लगा दिया ये कार्डबोर्ड पतला सा, जिससे कि हम इसे दीवार पे ना 3M वाली जो डबल टेप आती है ना उसकी मदद से ऐसे चिपका सकते हैं, और जब हम उखाड़ेंगे ना तो दीवार भी खराब नहीं होगी, प्लस ये आराम से उखड़ जाएगा। जब मैंने 1.5 साल पहले उस रूम में लगाई थी ना, तब मैंने क्या किया था, ऐसा कुछ प्लाई नहीं लगाई थी मैंने, सिर्फ इसी को ना फेविकोल या फेवी बॉन्ड आती है ना दीवार पर चिपका दिया, तो एक तो उतारने में दिक्कत आई, फटी गए थे उतारते, ऊपर से दीवार भी सारी ख़राब हो गई जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे, तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए ये हमने कर दिया, सबसे बेस्ट है। अब इसको हम गेमिंग रूम में फटाफट से फिक्स कर देते हैं, टेप भी ले ही आए थे, मिल गई थी ये वाली टेप है स्कॉच की 3M, मेरे ख्याल 3 में काम हो जाएगा। हमें ये वाली दीवार इससे कवर करनी है, मैं सोच रहा हूँ वही 1-2-3 ऐसे वाला डिज़ाइन करके 9 लगा दूँ, और उसके बीच में थोड़े बहुत फोटो फ्रेम्स लगा देंगे। फाइनली भाई अकूस्टिक पैनल्स तो सारे दीवार पे लगा दिए, अब इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 4-5 फ्रेम्स तो पड़े हुए हैं मेरे पास गेमिंग से रिलेटेड और थोड़ा कैमरा से रिलेटेड, बाकी अगर कम पड़ेंगे तो 1-2 और जब लॉकडाउन खुलेगा प्रिंट निकाल के अपना सेट कर देंगे। बट आवाज़ में फ़र्क है, जब मैं बंद करूंगा ना गेट तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा आवाज़ कितनी गूंज रही थी पहले और अब कितनी कम गूंज रही है। गेमिंग रूम में फ्रेम्स लगा दी है, 6 फ्रेम की कमी है जिसमें से 2 का प्रिंट आउट तो निकला पड़ा है, बस उसको फ्रेम करना है, और 4 मुझे प्रिंट आउट नए ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि अंदर का काम पूरा हो जाएगा। हॉल का कल हो चुका था, 1-2 प्रिंट वो निकले पड़े हैं, हॉल के लिए भी वो भी लगा दूंगा मैं,
बाकी अगर आप चाहते हो मैं अपनी मर्चेंडाइज के साथ साथ कुछ इसी तरह के फ्रेम्स भी लॉन्च करूँ, मतलब जिसमें अपने कोट्स लिखे हो या गेमिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर अपना भी कुछ ऐसा लॉन्च कर देंगे फ्रेम, क्योंकि इस टाइम पे मिलना अच्छी क्वालिटी में वो भी कम प्राइस में बहुत मुश्किल हो जाता है अमेज़ॉन पे। तो अपने कुछ इंडियन कोट्स के साथ हिंदी में या फिर ऐसा कुछ गेमिंग से रिलेटेड मस्त सा बनाएंगे। फिलहाल मैं फटाफट से नहा लूँ, उसके बाद एक मस्त पैकेज है, मिस्ट्री पैकेज जो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटिंग भी था उसको लगाने के लिए, बट उस वाले फ्लैट में वो लग नहीं पा रहा था, यहाँ पर फाइनली इस वाली वॉल में वो अच्छे से लग जाएगा। तो मैं नहा के कपड़े चेंज कर लूँ फिर खोलते हैं वो। पीछे देखो मेरी पूँछ को, जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे 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 पीछे। चलो बाहर चलो, आ जाओ बेटा आई बोर्ड पकड़ेगा देखना। चल 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 बोलो, चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो। ये सामान पड़ा है यहाँ पे, खाना जाए, बंद ही कर देता हूँ इस हफ्ते तो। हाँ भाई क्या दिक्कत है, हैं अच्छा वाला सो रहा था तू, अभी तक सो जाना जाके, जाना यार। ओए मतलब नहा के मैं जैसे ही कपड़े बदलता हूँ ना, सारे कपड़े मेरे फिर गंदे कर देगा अभी, क्या दिक्कत है तेरे को, हैं देखना सारी मेरी पैंट अब गंदी कर देगा, थूक लगा देगा सारी जगह। मेरा गिच्ची गिच्ची बच्चा, प्यारा मेरा बच्चा, इती 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 ओ काटियो मत, मेरे को पिट जाएगा, मेरे से मारता बहुत हूँ मैं बच्चों को। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा लेटी शॉप के साथ मिलके मैंने एक प्लेस्टेशन 5 एंड एक आईफोन 11 का गिव अवे करा था। दोनों ही प्रोडक्ट्स के जो विनर थे वो हमने सेलेक्ट कर लिए थे, और जो प्लेस्टेशन 5 के विनर थे उनको तो मैं पर्सनली दिल्ली जाकर दे भी आया था, बट जिन्होंने भाई आईफोन जीता था उनको मैं जाकर दे नहीं पाया, थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में आलस कर गया था जाके देने में, और उसके बाद फिर ये कोविड के इतने केस फैलने लगे तो मैंने सोचा कि बाद में थोड़ा टाइम बाद जाऊँगा, और फिर लॉकडाउन ही लग गया, तो अभी तक उनका पड़ा हुआ है भाई का, लेकिन मेरे पास ईमेल पे बात हो चुकी है, फ़ोन पे एक बार भी बात नहीं हुई। तो ऐसा करते हैं भाई को फ़ोन करते हैं और बात करके एक बार बता देते हैं, थोड़ी उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई आने वाला है, नकली गिव अवे नहीं था। हेलो दिनेश भाई से बात हो रही है? अनमोल बोल रहा हूँ भाई, अनमोल जायसवाल। कैसे हो? वो आईफोन जीता था ना आपने, आईफोन 11? हाँ जी, तो वो आपका वो डिलीवरी अभी तक पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा कहाँ दिल्ली में ही है ना आपका एड्रेस, किधर, रोहिणी का? नहीं नहीं हमारा है साउथ दिल्ली का है। साउथ दिल्ली किस जगह? कालका जी का। अच्छा तो नारायणा के पास ही पड़ेगा ना आपका? नहीं नारायणा तो दूर है हमारे से। तो एक काम हो सकता है, जैसे अभी कुरियर सर्विस तो दिल्ली में तो आधी से ज़्यादा एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे है, और हाँ और बट मुझे ना शायद से इस मंथ या फिर जून के फर्स्ट वीक में ना बाइक की डिलीवरी मिलेगी नारायणा से। ठीक है, तो आप या तो नारायणा आ जाना उसी दिन ही कलेक्ट करने के लिए, वहीं से ले जाना आप। नारायणा तो आ ही जाओगे ना आप उस दिन? हाँ बाकी आपका हाँ बाकी एक आईडी प्रूफ जरूर ले आना, मतलब दिनेश के नाम के जो भी आप। हाँ जी हाँ जी, आप नहीं अभी नहीं, जब वो आप लेने आओगे ना उसी टाइम आईडी ले आना बस, एक कोई भी, या किसी को अगर आप भेजोगे भी ना तब भी आईडी भेज देना उनके हाथ। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बार डेट बता दूंगा जैसी होगा, बट यही है कि जून के फर्स्ट वीक या 10 तारीख से पहले पहले ही हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, ओके ओके। चलो भाई इनसे बात हो गई फाइनली, इनका चमचमाता हुआ नया डब्बा पैक आईफोन 11 पड़ा हुआ है यहाँ पर। एक बार ऑन करा था बस चेक करने के लिए कि ठीक है ना, अभी तक रजिस्टर भी नहीं करा, आईडी वो खुद बना लेंगे उसके बाद। हाँ बाकी देखते हैं जल्दी से मिल जाए बाइक, तो उसी दिन भाई को बुला के फटाफट दे देंगे, क्योंकि कालका जी नारायणा से ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं गुड़गांव से नारायणा जाऊँगा, वो कालका जी से नारायणा आ जाएंगे, अपना वहीं पर मिलके बाइक की डिलीवरी हो जाएगी और उनके फ़ोन की डिलीवरी हो जाएगी। तो ये रहा भाई लोग वो मिस्ट्री पैकेज जिसका इतने टाइम से मुझे इंतज़ार था, इंतज़ार मतलब ये ऑर्डर तो बहुत टाइम से किया हुआ था, घर पे आ भी गया था, मैंने एक बार आपको बहुत टाइम पहले दिखाया भी था व्लॉग में, बट इसको अनबॉक्स करके मैंने लगाया नहीं था, बट मैं लगाना भी चाहता था इतने टाइम से, और उस वाले फ्लैट में प्रॉपर जिस दीवार पे लगना था मिल नहीं पा रहा था जगह। पता चल गया होगा आपको क्या ये इसमें है भैया, मेटल का वर्ल्ड मैप जिसमें, चलो खोल के दिखाता हूँ, बोलने का क्या फ़ायदा। इसको लिए हुए मतलब मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने हो चुके, जब मैंने उस वाले फ्लैट में शिफ्ट किया था ना तब ये ख़रीदा था, देख लो तब से ये पैक का पैक मतलब मैंने खोल के देखा था, फिर से टेप लगा दी थी। हाँ अब फाइनली लगाऊंगा, मस्त लगेगा भाई बहुत। इसके अंदर ये काफ़ी सारे फ्रेम्स आते हैं खाली, जिसमें हम अपनी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, और मेन जो चीज़ है ना वो ये है, नहीं मेन चीज़ से पहले ये कुछ ट्रिक्स है, ये सब अभी ना आपको समझ नहीं आएगी, जब मैं इसको प्रॉपर सेटअप कर लूँगा ना तब आपको दिखेगा कितना मस्त चीज़ है। ये देखो इस तरह के ये मेटल पीसीज है, ये दिखने में अभी अजीब से लग रहे होंगे, बट भाई ये पूरा जब दीवार पे फिट होगा ना ये एक वर्ल्ड मैप बन जाएगा,
और उसमें क्या होता है, जैसे जिन जिन कंट्रीज में मैं जा चुका हूँ ना, उस कंट्रीज के आगे मैं ऐसे ही स्टिक लगा के एक एक फ्रेम दीवार पे लगा दूंगा और अपनी फोटो के साथ उस कंट्री में, तो बहुत कूल लगने वाला है ये। लगाना कहाँ पे वालों, मैंने आपको बताया था हॉल में जो सोफा लगा उसके ऊपर, ये वाले एरिया में बिल्कुल उधर की साइड जो है जगह वो तो मैं सेट कर चुका हूँ, बस ये वाली दीवार एक खाली रह गई है, तो इस सोफे के ऊपर ये पूरा मैप अच्छे से फिट हो जाएगा। अकेले वैसे तो हो तो जाएगा यार, टाइम लगेगा अभी क्योंकि हमें वापस घर भी जाना है, मैं दोपहर भर ज़्यादा शूट किया नहीं, बस वहीं पे ही लगा रहा अकूस्टिक पैनल्स लगाने में, तो देखते हैं अगर 15-20 मिनट में हो गया तो कर दूंगा, वरना फिर कल कंटिन्यू करके इसको फाइनल कर ही दूंगा। वैसे भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो है नहीं, क्योंकि वो देखने को मिलेगा आपको हाउस टूर वाली वीडियो में सीधा। लगी चुका है मैप, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि इधर की साइड हो गया, इसको हल्का सा इधर कर देना चाहिए, बट देखते हैं भाई जिन जिन कंट्रीज़ में मैं गया हूँ उनके मैप कहाँ, मतलब वो जो रोड है ना कहाँ कहाँ से जाएगी, और फिर फोटो फ्रेम्स लगेंगे तो कोई नहीं, बट अच्छा लग रहा है भाई, है ना, पूरा जब फ्रेम्स वगैरह लगेंगे ना इसके साथ प्रॉपर फोटो वोटो लग जाएगी तब ज़्यादा लुक देगा, बट ठीक है अभी लगा दिया। मुझे लगा था मुश्किल होगा लगाना, बट 5 मिनट का काम था, मस्त इसमें से ऐसे देख देख के अपना कर दो। फ्रेम्स भी इसमें ना अलग अलग साइजेस के हैं, जैसे कि ये इतने सारे और ये फ्रेम्स को लगाने का भी है, ये मतलब कितने, 3, 3, 6, 3, 9 होंगे, ये 4, 10 पीस ये है, और इससे छोटा साइज़ भी है एक, ये वाला साइज़, शीशा वीशा सब है, बस फोटो अपना प्रिंट करवाओ लगाओ, और ये बड़े वाले भी है, ये साइज़ है बड़ा, मीडियम साइज़ भी है ये रहा, और ये काफ़ी सारे छोटे हैं। टोटल कुछ मेरे ख्याल 20 या 21 फ्रेम्स है, बट मैं अभी कुछ 9 कंट्रीज़ में गया हुआ हूँ, तो इसलिए 9 फ्रेम्स का यूज़ आएगा, प्लस इंडिया में मैं अलग अलग पार्ट्स में गया हूँ, तो 3-4 अलग अलग वो लगा लूँगा, बाकी देखते हैं अगली बार कब ट्रैवल शुरू होगा, इंटरनेशनल रशिया जाना है, जापान जाना है, बहुत जगह के प्लान है, बट एक कोविड वोविड थमे भैया, काफ़ी लोग जा रहे हैं ऑलरेडी, मुझे पता है, मेरे से भी काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि आप क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे, सब लोग कर रहे हैं, बट भाई मैं नहीं मन करता मेरा कि अभी मैं इस टाइम पे बाहर जाऊं कहीं पर भी, हाँ क्या फ़ायदा जाकर, कोविड होगा घर पे भी लाऊंगा, अपने कंट्री में लाऊंगा, उससे अच्छा थोड़े टाइम अपने यहाँ टिक के रहते हैं ना, है ना। About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know.